हेलो फ्रेंड्स, सो यू आर वाचिंग शौकीन और हम आ गए हैं आज जनपद। आज हम एक्सप्लोर करेंगे जनपद की मार्केट दोस्तों और देखते हैं यहाँ पर क्या कुछ मिलता है। हाँ, तो अगर आप इस मार्केट में आना चाहते हैं तो आप राजीव चौक मेट्रो स्टेशन से आ सकते हैं, यहाँ बस स्टैंड भी है और मैप से भी आ सकते हैं। मैप से देख के आ जाइए कि कौन सा आपको बेस्ट रास्ता मिल रहा आने का। बस से आ सकते हैं, गाड़ी से आ सकते हैं, स्कूटी से आ सकते हैं। और वैसे भी ये मार्केट काफ़ी फेमस है और ये रास्ता भी काफ़ी कन्वीनियंट है। सेंट्रल लोकेशन है ये और कनॉट प्लेस सबको पता ही है, कनॉट प्लेस के बहुत पास में ही है, सेंट्रल पार्क के साथ सामने ही है। तो दोस्तों मार्केट पहले वहाँ बाहर तक लगती थी, बैक साइड तक हमारे, और अभी मार्केट जो है थोड़ा अंदर की तरफ कर दी है। जो भी शॉप्स ये लगाते हैं यहाँ पर, जो भी है, ये सब थोड़ा अंदर की तरफ कर दिया है। और जो मेन एंट्रेंस है मार्केट की वो आगे की तरफ है, अभी हम उसी की तरफ चलते हैं। तो आइए चलते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर हर तरीके के प्रोडक्ट मिल रहे हैं, जैसे कि जीन्स वगैरह, डेनिम वगैरह, काफ़ी यहाँ पर वैरायटी है। जो मैंने कुछ मार्केट देखी हैं वो मार्केट से मतलब पर्टिकुलरली लड़कियों के लिए मार्केट होती है। आज के लिए जीन्स, कॉटन पैंट, डेनिम वगैरह देख के देखो। लाल रंग की कौन पहनता है? लाल रंग की जीन्स ले लो भाई, नाराज हो गए। लाल रंग की जीन्स में पहनता ही नहीं, लाल रंग की जीन्स पहनता है। यहाँ पर लड़कियों के लिए भी काफ़ी ऑप्शन है। हाँ, मेरे ख्याल से सिर्फ लड़कियों के लिए ऑप्शन है, लड़कियाँ ज़्यादा फ्ली मार्केट्स में जाती हैं, तो आई थिंक लड़कियों के लिए ही ज़्यादा। लड़कियों के सामान यहाँ पे ज़्यादा ऑफिस्ट है। आप ये 50 रुपये का सामान, मतलब 50 रुपये की इनको शर्ट मिल जाती है। लोग आए यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए, यहाँ से कपड़े ले जाएंगे, लोगो लगा होगा उसके ऊपर ब्रांडेड, 50 रुपये की शर्ट ले जाएंगे यहाँ से, वहाँ जाके बोलेंगे 5,000 के लिए के आएंगे। किसकी बात कर रहे हो? लोगों की, लोगों। हाँ, तो वो भी तो मेरा दोस्त ही है। और ये एविएटर वगैरह यहाँ पर मिल रहे हैं, ग्लासेस मिल रहे हैं। अच्छा, ये तो वो है ना, आयरन मैन वाले। ये तो बिल्कुल ही आपने खतरनाक पिक करा है, बस लग रहा है मुझे अर्जुन रेड्डी वाले लग रहे हैं। नहीं नहीं, वो तो बिल्कुल अंदर घुसे हुए हैं। अगर आप जनपद मार्केट भी आते हैं, इतना कुछ खास है नहीं, इतनी बड़ी मार्केट तो है नहीं, दो लेन के अंदर मार्केट बटी हुई है और उसके साथ में जो है कॉम्प्लेक्स है जहाँ पे आप शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं, शोरूम वगैरह हैं छोटे मोटे, वहाँ आ सकते हैं खाने के लिए काफ़ी कुछ है। लोकल शॉप्स आप कह सकते हो, काइंड ऑफ लोकल शॉप्स हैं, सामान लगभग सेम ही है उनका, पटरी वालों का उनका लगभग सेम ही है, ऐसा कुछ अलग तो है नहीं। अभी हमने एक फेमस बुक स्टोर देखा, नाम ही फेमस है इसका, फेमस बुक स्टोर। मुझे ऐसा देखने से लग रहा है कि ये काफ़ी पुरानी शॉप है। हाँ, बहुत पुरानी। और अगर आप एनिमे के फैन हैं, मांगा रीडर हैं, हमने मांगा एनिमे जो जापानीज कार्टून वगैरह देखते हैं, अभी हमने देखा दैट नोट से लेकर वन पीस सभी यहाँ पे बुक्स के कलेक्शन रखे हुए हैं, आप यहाँ पे खरीद सकते हैं। रेट वगैरह हमने पता नहीं किया क्योंकि ये बुक स्टोर में लोग थोड़े बिजी हैं और जगह नहीं अंदर जाने के लिए, तो अभी हम अंदर बिल्कुल मतलब जगह नहीं है, बहुत रश है, काफ़ी ज़्यादा रश है। फिर कभी जाएंगे, फिर कभी कुछ खरीद के लेके आएंगे हम भी, मैं भी काफ़ी पढ़ता हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर हर तरह की और ऑलमोस्ट सारी बुक्स हैं यार यहाँ पर। अच्छा लगा देख के, मतलब काफ़ी अच्छा है, अच्छी सी बुक्स है। लकड़ी का ये? हाँ सर, सब वुडन का सर, सब वुडन का ये दे दे। क्या देने चाहते हैं बोली, मना नहीं करो, प्रॉमिस 350 मैंने बोला, 300 लगा देंगे। हाँ, तो अभी हम बैठे इंडियन कॉफी हाउस में, ये बहुत पुराना है, मतलब सुना है कि बड़े बड़े फेमस इंटेलेक्चुअल्स वगैरह यहाँ आते थे दोपहर को यहाँ बैठ के कॉफ़ी पीने के लिए, छोटे ब्रेकफास्ट के लिए, यहाँ पे इनकी मीटिंग्स वगैरह होती थी, काफ़ी अलग लोग यहाँ आते रहे हैं। और ये एक तरीके की ऐसी एक वो है कॉरपोरेटिव सोसाइटीज़ के अंडर बनी हुई एक फूड चेन है, लगभग 400 इंडियन कॉफ़ी हाउसेज हैं पूरे इंडिया के अंदर, धीरे धीरे सिमट रहे हैं जितना मुझे सुनने में आया। और से इंडियन कॉफ़ी वर्कर कॉरपोरेटिव सोसाइटी से चलाती है इस पूरे इंडियन कॉफ़ी हाउस। ये आपका बाबा खड़क सिंह मार्ग पे है, कनॉट प्लेस के अंदर, सेकंड फ्लोर पे है, जैसे आप आते हैं सिनेमा होगा वहाँ पर, PVR के जो सामने वाले रिवॉली के साथ वाली बिल्डिंग है उसमें सेकंड फ्लोर पर ऊपर आ गए हैं।
एक रीजनेबल प्राइस में काफ़ी अच्छा यहाँ पर खाने पीने के लिए मिल सकता है। हाँ जनपद पे गए थे, जनपद पे इतना कुछ ज़्यादा मज़ा आया नहीं हमें, बहुत छोटी सी मतलब वो है। पहले मेन्यू कार्ड दिया गया था और हम तब से बैठे हैं, अभी हमारा आके ऑर्डर दे। और मुझे तो लग रहा है यहाँ पर सिर्फ दो ही वेटर हैं, वो ही दिख रहे हैं, दिख रहे हैं बस बार बार, और उनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। हाँ तो अभी हम इंडियन कॉफी हाउस से आए, वहाँ पे हमें खाने के लिए कुछ मिला नहीं, वेटर ने हमें वो मेन्यू कार्ड दिया एंड उसके बाद वो गायब हो गया, आधा घंटे तक आया नहीं, तो हम भूखे पेट बैठ रहे हैं हम आधा घंटे तक, 40 मिनट तक, फिर हम 40 मिनट हो गए। फिर अब आए इंडियन कॉफी होम, यहाँ पे जगह नहीं मिल रही थी बैठने की, तो हमारे बिहार से तो भाई बंधु थे, उन्होंने हमें जगह दी है साथ में, अभी हमने नाम नहीं पूछा, नाम पूछ लेते उनका। सौरभ। तो हमारे साथ है सौरभ। हाय। एंड साथ में हमारे अथर। अथर। तो दोनों ने हमें जगह दे दी और हमारा काम चल गया। लंच टाइम है इस वजह से यहाँ पर थोड़ी भीड़ है, वैसे आप अगर मॉर्निंग में इवनिंग में टाइम पर आते हो तो सीट्स तो मिल ही जाती हैं, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो अभी जिस लोगों से बात कर रहा था मैं, पता चला फिल्म मेकर है एंड एक शॉर्ट मूवीज उन्होंने बनाई थी, सेलेक्ट भी हुई थी किसी फिल्म फेस्टिवल में, बहुत बड़े फिल्म फेस्टिवल में सेलेक्ट हो गई थी एंड वो इन सब के बारे में बात करते हैं, मूवीज़ के बारे में काफ़ी देर तक बात करते रहे, हमने ऑर्डर नहीं दिया। आप देख सकते हैं लाइटिंग थोड़ी कम हो गई क्योंकि सूरज ढल चुका है, मैंने इतनी देर तक बैठ के वहाँ बात की, उसके बाद हमने ऑर्डर दिया। ऑर्डर में मैंने एक फिल्टर कॉफ़ी ली है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, और साथ में और ये है उपमा, उपमा साउथ इंडियन उपमा है, ये लिया है। हम पहले कॉफ़ी हाउस गए थे, इंडियन कॉफ़ी हाउस, वो भी साउथ इंडियन मेन था, वो आपको बता दिया था हमने कि एक वो इंडियन कॉफ़ी वर्कर्स सोसाइटी के अंडर आता था, ये दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर आता है कॉफ़ी हाउस, तो ये दोनों अलग अलग जगह हैं, दोनों में कन्फ्यूज मत हुई है। तो अभी हम इंजॉय करते हैं सब, उपमा तो यार हमने बहुत खाया और मैंने तो साउथ इंडियन तो मैं यही लगा लूँ, हफ्ते में 2-3 दिन तो खा ही लेता हूँ, कभी डोसा खा रहा हूँ, कभी इडली खा रहा हूँ, मैं बड़ा खा रहा हूँ, लेकिन फ़िलहाल जो मैं उपमा खा रहा हूँ ना ये बहुत टेस्टी लग रहा है मुझे। अब ये मुझे पता नहीं भूख लग रही है इसलिए लग रहा है, ये एक्चुअली में अच्छा है, ये तो देव भाई बताएंगे, देव भाई बहुत एक्सपीरियंस है हमारे साथ, देव भाई बताओ। उपमा एक नंबर बना, नो डाउट, अगर आप ये उपमा खाओगे ना, आपको ना एक बाहर खाते हो तो आपको ना एक अजीब सा टेस्ट आता है उसका, आपको लगता है कि हाँ ये बाहर का चीज़ है, पर इसके अंदर ना वैसा कुछ नहीं आ रहा, बहुत अच्छा लग रहा खाने में। फूड की तरह नहीं है, तो मेरी शक्ल देख के ये मत सोचना कि मैं साउथ इंडिया से हूँ, कई लोग वो कन्फ्यूज हो जाते हैं, पर ऐसा है नहीं। बाकी उपमा बड़ा अच्छा है ये तो हम कहेंगे, नो डाउट, सांभर बहुत अच्छा है, चटनी बहुत अच्छी है। आपकी फिल्टर कॉफ़ी कैसी है? फिल्टर कॉफ़ी एक नंबर है, मैंने विदाउट शुगर ली है, पीना थोड़ा मुश्किल हो गया मेरा क्योंकि मैं फ़िल्टर कॉफ़ी के थोड़ी ज़्यादा कड़वी होती है, रीज़न बिंग जो वो फ़िल्टर कॉफ़ी के अंदर जितना मुझे पता है, अब मैं गलत हो सकता हूँ, कमेंट में लिख के बता देना सही हूँ गलत, कि जब ये कॉफ़ी बनाते हैं तो कॉफ़ी को भूनते हैं ये उस टाइम पर, ठीक है, उससे अरोमा उसका बाहर आता है, इस वजह से मुझे लगता है थोड़ी ज़्यादा मुझे कड़वी लग रही है क्योंकि मैं विदाउट शुगर कॉफ़ी पीता हूँ और मुझे बड़ी अच्छी लगती है ये कॉफ़ी, बड़ी अच्छी है, मेरी आँखें खुल गई हैं, देखो बड़ी हो गई हैं, चार हो गई दो से। आज पूरे दिन हमने क्या क्या किया तो थोड़ी बात कर लेते हैं, हम पहले जनपद गए, ज़्यादा इंटरेस्टिंग कुछ था नहीं वहाँ पे, फिर भी हम गए, उसके बाद हमने फेमस बुक स्टोर देखा जहाँ पे हमने एनिमे और मांगा वाली वो कॉमिक्स के सेट देखे, जो मुझे बड़ा एक्साइटेड लगा क्योंकि ये चीज़ें इंडिया में मिलती नहीं है, सही बताऊँ तो आपको ऑर्डर करनी पड़ेगी, आपको बाहर से मंगवानी पड़ती है, अभी भी आपको बाहर से मंगवानी पड़ती है, मे बी आपको अमेजन वगैरह पर मिल जाएगा, ऑनलाइन किसी स्टोर में मिल जाए, लेकिन बाहर से मंगवानी पड़ती है, वो देखी मैंने, बड़ा अच्छा लगा मेरे को देखे। उसके बाद हम सोचा था कि हम जंतर मंतर जाके उसका थोड़ा उसको देखेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, ओवरव्यू करेंगे कि भाई जंतर मंतर में क्या है, किस तरीके से बिल्ड हुआ, बट वहाँ पर हमारे को मना कर दिया गया कि कैमरा अलाउड नहीं है, तो फिर हमने सोचा कि अंदर जाके करेंगे क्या, वो हमने स्किप किया, वो हमने स्किप करा और देन उसके बाद हम गए कॉफ़ी हाउस, काफ़ी टाइम में वेट किया, वेट करने के बाद कोई वेटर ही नहीं आया ऑर्डर लेने के लिए, फिर हमने सोचा भाई इसे छोड़ो, और हम भूख लग रही थी हमें क्योंकि भूख लग रही थी, भाई हमने कहा एक और है, इसका नाम क्या है भाई? कॉफ़ी होम। ये कॉफ़ी होम आया और ये दिल्ली टूरिज्म के अंदर आता है, दिल्ली टूरिज्म के अंदर आता है, हाँ
दिल्ली गवर्नमेंट रन कर रही है इसको। हाँ, यहाँ पे आके आपको बता मैं दो लोग मिले जो मूवी मेकर थे, एंड उसके बाद हमने ऑर्डर किया फिल्टर कॉफ़ी, कैपेचिनो एंड उपमा, जो अभी बिल्कुल फिनिश हो चुका है, कोई बच्चा किसी का नहीं है। अभी क्या करते हैं, पैकअप करते हैं, पैकअप करते हैं, और आई थिंक आज के लिए इतना बहुत है, आज के लिए इतना बहुत है, किसी नई जगह चलेंगे, कुछ नया एक्सप्लोर करेंगे। और आपको कोई ऐसी जगह पता है जहाँ पर हमें जाना चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करो, हमें मेल करो, हमें इंस्टाग्राम पर डालो, फेसबुक पर डालो, कहीं पर भी हमें पोस्ट करो, मार्क करो कि भाई यहाँ पर जाओ, इस चीज़ को एक्सप्लोर करो, इसके बारे में बताओ, हम पक्का वहाँ के बारे में वीडियो बनाएंगे, वहाँ के बारे में एक्सप्लोर करेंगे। तो प्लीज़ बताना ज़रूरी है। और नहीं कुछ कहना चाहते बस, एट द एंड ऑफ द डे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और यार सब्सक्राइबर बढ़ नहीं रहे, प्लीज़ यार अपने फ्रेंड्स के साथ ग्रुप में सब जगह शेयर करो, और सबसे बोलो कि यार सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और वीडियो को पूरा देखना। ओके, बाय।